Hello dear students, so today I am coming with the process costing and my topic of discussion will be equivalent production. That is the most important part of process costing. तो सबसे पहले हम define करेंगे कि हमारा equivalent production से क्या meaning होगा, क्या अभिप्राय होगा. तो equivalent or effective production represents the production of a process एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट. तो हमारे जो यूनिट प्रोसेस हो चुके हैं उसको हम कंप्लीटेड यूनिट्स में किस प्रकार ले सकते हैं, हाउ मच यूनिट्स वी कैन टेक द प्रोसेस्ड यूनिट्स इन कंप्लीटेड यूनिट. जो प्रोसेस्ड यूनिट है उसको हम कंप्लीटेड यूनिट्स में किस प्रकार टेक ओवर कर सकते हैं, किस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो हमारे जो यूनिट प्रोसेस में जा रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, उसको हम कंप्लीटेड यूनिट्स किस प्रकार काउंट कर सकते हैं. दैट इज अवर मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. सबसे पहले हमें उसे कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. देन वी हैव टू कैलकुलेट देयर कॉस्ट पर यूनिट. उसके बाद हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे. तो हम सिंपल फार्मूला ले रहे हैं. फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड. तो उनका जितना वर्क परसेंटेज कंप्लीट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय एक्चुअल यूनिट्स इन प्रोसेस. जितने हमारे एक्चुअल यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उसको अगर परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दैट बिकम्स अवर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. वो हमारी इफेक्टिव प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाती है इन द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. तो प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ये हम कैलकुलेट करते हैं. तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इफेक्टिव प्रोडक्शन को हम वो कहते हैं जो यूनिट हमारे प्रोसेस में है और जिनकी परसेंटेज कंप्लीशन हो चुकी है. दैट मे बी 60%, दैट मे बी 70%, दैट मे बी 40%, एनी परसेंटेज मे बी देयर. तो उनकी परसेंटेज अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऑफ देयर कंप्लीशन विद द एक्चुअल यूनिट इन प्रोसेस तो वो हमारा कंप्लीटेड वर्क हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव प्रोडक्शन और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल भी क्लियर करना चाहते हैं कि अगर मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी होगी तो हम किस प्रकार एक एग्जांपल से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स इन प्रोसेस. अगर हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये शो करे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 200 यूनिट्स हैं एंड 60% इज कंप्लीट और हमारी जो प्रोसेस है वो मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए, थ्री पार्ट्स के लिए हमने 60% प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है. इट मींस हमारी जो कंप्लीशन स्टेज है दैट इज 60% रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. तो हम इसके एग्जांपल में हम अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो बड़ा सिंपल होगा. जितने यूनिट हमारे प्रोसेस में होंगे तो हमारे एग्जांपल में 200 यूनिट्स हैं तो हमने किया 200 मल्टीप्लाइड बाय 60%. इट मींस इफेक्टिव यूनिट और कंप्लीटेड यूनिट्स को हम लेंगे 120 यूनिट्स और इसका ही हमें पर यूनिट कैलकुलेशन करनी होगी. पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी एंड दैट विल बी प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस अकाउंट और यही हम प्रोसेस अकाउंट में पोस्ट भी करेंगे. तो कंप्लीटेड यूनिट जितनी हमारी कंप्लीटेड परसेंटेज होगी और जितने यूनिट हमारे प्रोसेस में होंगे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारा होगा इफेक्टिव प्रोडक्शन और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो इस केस में हमने 200 को 60% से मल्टीप्लाई किया. हमारे इफेक्टिव यूनिट जो कंप्लीटेड यूनिट्स माने जाएंगे वो माने जाएंगे 120 यूनिट्स. That will be 100% complete. इसका मतलब है इसको हम completed units count करते हैं. तो जो हमारे effective units हैं, these are known as completed units.
अब इसके हम थ्री मेथड जनरली लेते हैं जब भी हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक होता है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चैप्टर आता है. जनरली देयर आर वेरियस सम्स एंड दीज सम्स रिलेट टू सिंपल केस, फीफो केस और एवरेज मेथड. तीन हमारे मेथड होते हैं. नंबर सिंपल मेथड, सेकंड होगा फीफो, थर्ड इज एवरेज मेथड. तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चार्ट बनाना होगा, नंबर वन केस. सेकेंडली हमें कॉस्ट पर यूनिट इवैल्यूएशन करनी होगी. थर्ड हमें इवैल्यूएशन करनी होगी क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक और हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उनकी हम कैलकुलेशन करते हैं. नंबर फोर्थ पार्ट होता है कि हम सिंपल एक प्रोसेस अकाउंट बना के अवर क्वेश्चन इज देन कंप्लीटेड. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंपल केस और मैंने प्रॉब्लम नंबर वन ली और हमारा नंबर वन जो मेथड होगा दैट विल बी प्रेपरेशन ऑफ इक्विवेलेंट चार्ट. सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चार्ट बनाना होगा जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चार्ट, कुछ भी हम कह सकते हैं. तो सबसे पहले हमने एक सिंपल सम लिया जिसमें कोई भी एवरेज प्रॉब्लम नहीं है, नो फीफो इज कंसिडर्ड. तो ये हमारा सिंपल केस होगा. अब हमें सिंपल प्रॉब्लम है इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज टू बी प्रिपेयर. हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे. जनरली हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट में थ्री पोर्शन होंगे. नंबर वन होगा सिंपल, सेकंड हम लेंगे फीफो, उसका कुछ रूल अलग होगा फीफो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. थर्ड जो हमारे पास होगा एवरेज मेथड. अभी के लिए मैंने इस लेक्चर के लिए मैंने अभी सिंपल केस लिया है और हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर वन. अब इसकी थोड़ी हम स्टडी कर लेते हैं. आफ्टर स्टडिंग द सम वी शैल गो विद द इक्विवेलेंट चार्ट. अब सबसे पहले फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर प्रोसेस सेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. हमें इंफॉर्मेशन गिवन है अप्रैल 2019 के लिए. वो क्या इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक. ये हमें यूनिट गिवन है 900 यूनिट्स और इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है. दैट इज गिवन मटेरियल 80% कंप्लीट है एंड लेबर एंड ओवरहेड हमारे 60% कंप्लीट है. क्योंकि हमारी कंप्लीशन जो है दैट इज ऑलरेडी दैट इज ऑलवेज विद द थ्री पोर्शंस. जनरली जो भी हम कंप्लीशन करते हैं वो थ्री पार्ट्स में करते हैं. नंबर वन पार्ट होता है मटेरियल, सेकंड पार्ट हम देखते हैं लेबर एंगल से कि हमने कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया, थर्ड इज ओवरहेड. तो इट मींस हमें थ्री पार्ट्स लेने होते हैं जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया. तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जब भी मेजरमेंट की जाएगी दैट विल बी सीन विद द थ्री पार्ट्स. नंबर वन होगा मटेरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड, देन प्रोसेस इज कंप्लीटली अंडरटुक बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो तीन हमारे पार्ट्स होते हैं. तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग यूनिट हमें गिवन है 900 यूनिट्स और मटेरियल 80, लेबर और ओवरहेड 60% हमारे कंप्लीट हैं. उसके बाद हमने लिया इनपुट ऑफ मटेरियल. इनपुट को हम कह सकते हैं मटेरियल इंट्रोड्यूस और हमने कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कह सकते हैं इनपुट. अब हमारे सामने इनपुट गिवन है 6000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक जिसको क्लोजिंग WIP कहते हैं दैट इज 700 यूनिट्स और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, मटेरियल यहाँ पे 70% कंप्लीट है और लेबर और ओवरहेड हमारे 60% कंप्लीट हैं. और हमने यूनिट्स कंप्लीट किए दैट इज 6200 यूनिट्स, ये हमने कंप्लीट किए हैं. अब हमें चार्ट बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग में आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सम करते हैं, नंबर वन रिक्वायरमेंट प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज प्रेपरेशन ऑफ इक्विवेलेंट चार्ट और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. या तो हम इक्विवेलेंट चार्ट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो सबसे पहला काम है मुझे ओपनिंग स्टॉक और इंट्रोड्यूस्ड और क्लोजिंग इन सबको लेके
हमें एक एनालिसिस बनाना पड़ेगा कि कितने यूनिट हमने प्रोसेस में रखे और उनकी डिग्री कितनी लगी, ताकि हमें इक्विवेलेंट चार्ट बनाना पड़े जिनको हम बनाएंगे कंप्लीटेड यूनिट, जिनको हम कह सकते हैं हमने कंप्लीटेड यूनिट बनाए और इक्विवेलेंट यूनिट बनाए। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी इक्विवेलेंट यूनिट, दैट इज द प्राइम वर्क इन द प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब मैंने सिंपल इसका सोल्यूशन किया है यहाँ पे। अब हम जब चार्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कौन सा हम यहाँ पे मेथड लगाने वाले हैं। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि दिस मेथड इज ओनली सिंपल मेथड, देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ फीफो। यहाँ पे फीफो मेंशन नहीं है। इफ प्रॉब्लम में फीफो मेंशन नहीं है तो हम उसको सिंपल मेथड अजम्पशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अजम्पशन लेनी है कि सम के लिए मैंने जो मेथड लिया है दैट इज सिंपल मेथड, देयर इज नो अकरेंस ऑफ फीफो मेथड। हम यहाँ पे फीफो मेथड एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा होगा सिंपल मेथड। अगर सिंपल मेथड के लिए देखा जाए तो हमने यहाँ पे बनाया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब सबसे पहला कॉलम होगा इनपुट। इनपुट में हम जो भी हमारी डिटेल्स गिवन है वो हम इनपुट में मेंशन करेंगे। देन वी हैव टू गो विद द कॉलम ऑफ आउटपुट। आउटपुट में जो भी यूनिट होंगे उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनके बेस में हमें इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिया था एक्चुअल यूनिट्स इन प्रोसेस, दैट इज द केस ऑफ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वाले जो भी होंगे उसको हम कहते हैं एक्चुअल यूनिट्स इन प्रोसेस। इट मींस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन आउटपुट। इसका मतलब सबसे पहले हमें इनपुट बनानी होगी, देन वी हैव टू गो विद द आउटपुट। आउटपुट बनाने के बाद हम मटेरियल लेते हैं। थ्री हमारे पास डिग्रीज होती हैं। नंबर वन पार्ट इज मटेरियल, प्राइमरी कंडीशन मटेरियल, देन वी हैव टू गो विद लेबर, देन ओवरहेड। हमारे तीन पार्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो मटेरियल में हमने यहाँ पे पीछे परसेंटेज ले लिया कॉलम में, यहाँ पे हमने यूनिट मेंशन कर दी कितने हम कंप्लीट मानेंगे, लेबर में भी परसेंटेज और हमने यूनिट ले लिया, ओवरहेड्स में भी हमने परसेंटेज और यूनिट्स मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे हमें चार्ट बनाना होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी जिनको हम कंप्लीटेड यूनिट्स मान रहे हैं या इफेक्टिव प्रोडक्शन मान रहे हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे प्राइमरी वर्क होगा किसी के लिए, स्टूडेंट्स को ये बेसिकली ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम है हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें इनपुट में कितने यूनिट लेने हैं और आउटपुट में हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमारी इनपुट और आउटपुट का डिवीजन राइटली किया जाएगा, दैट इज द राइट केस, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहला बेसिक काम होता है कि हमें इनपुट और आउटपुट को क्लासिफाई करना। अब सबसे पहले जैसे मेरे पास ये सम है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है और इनपुट भी है और क्लोजिंग भी है और हमने कंप्लीट भी किया है। अब इसके लिए मुझे इनपुट में क्या लेना पड़ेगा। अब इनपुट के लिए हमें लेना ओपनिंग WIP, जिसको कहते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये हमारे गिवन है 900 यूनिट, हमने 900 को इनपुट में लिया। सिमिलरली इनपुट ऑफ मटेरियल, अब हमने इनपुट ऑफ मटेरियल भी लिया जिसको हम कहते हैं मटेरियल इंट्रोड्यूस, और मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे मटेरियल हुआ 6000 यूनिट। अब हमने 6000 को इनपुट में ले लिया जिसको हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस। तो टोटल अगर किया जाएगा तो ओपनिंग और इनपुट का टोटल अगर हम करें तो ये हमारी बनते हैं 6900 यूनिट। तो ये हमें सीखना होगा जब हम इनपुट का केस बनाएंगे वहां पे ओपनिंग भी होगा और इंट्रोड्यूस्ड भी होगा। अब ये हमारा बन गया इनपुट के लिए। अब मुझे इनकी क्लासिफिकेशन लेके जानी पड़ेगी आउटपुट में। तो जैसा कि हमारा केस सिंपल का केस है, आई एम नॉट टेकिंग फीफो केस,
अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसमें हम ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को भी आउटपुट में लेते हैं विद द रिमेनिंग डिग्री, जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इट इज द प्राइमरी टेबल, बहुत बिगनिंग वाला टेबल है। अभी हमने सिंपल प्रोसेस के बीच में इसको करना होगा। जब हमने सिंपल केस लिया सोल्यूशन में तो आउटपुट में इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो आउटपुट में जैसे यहाँ इनपुट में मैंने लिया ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 900 यूनिट और इंट्रोड्यूस्ड हमारे 6000, टोटल बनते हैं 6900। अब मुझे देखना कि हमने कंप्लीटेड यूनिट कितने किए, हमने कंप्लीटेड और फिनिश्ड यूनिट किए 6200। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट में कॉलम में हमें लेना है फिनिश्ड यूनिट, जो हमने काम कंप्लीट किया प्रोसेस में डाला वो है 6200 और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें गिवन है दैट इज गिवन है 700 यूनिट, जिसको क्लोजिंग WIP भी कहते हैं और ये हमें गिवन है क्लोजिंग WIP 700। ये हमने आउटपुट कॉलम में लेना है और इनपुट में मुझे लेना है ओपनिंग WIP और इंट्रोड्यूस, और आउटपुट की क्लासिफिकेशन में हम लेंगे फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग WIP। यहाँ पे हमने क्लोजिंग WIP ले लिया। तो ये हमारा केस चल रहा है इन केस ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड। सो नो फीफो इज यूज्ड, यहाँ पे हमने फीफो मेथड यूज नहीं किया। ये मैं अगेन बताना चाहता हूं, अगर फीफो यूज करेंगे उसके लिए अलग रूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फीफो नहीं ले रहे, मेरा प्रॉब्लम नंबर जो वन है दैट इज वेरी बिगनिंग, तो हमने सिंपल का केस लिया है। जब हम सिंपल लेते हैं तो हमारी आउटपुट में फिनिश स्टॉक होगा और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी होगा, तो ये भी हमारा 6900 होगा और 6900। फर्स्ट हमारा काम होगा इनपुट को इक्वल करना आउटपुट से, यानी इनपुट के जितने टोटल यूनिट होंगे वो आउटपुट के यूनिट से इक्वल मैच करेंगे। ये हमने पहला मैचिंग कर ली है। अब मुझे लगानी है डिग्री। अब डिग्री के लिए क्योंकि हमने ओपनिंग लिया ही नहीं है, ओपनिंग आउटपुट में आता ही नहीं है इन केस ऑफ सिंपल मेथड, तो सिंपल में इसलिए हमने इसकी डिग्री को इग्नोर ही हम करेंगे। दैट डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड, चाहे हमारे एग्जाम में गिवन भी हो, अगर हम सिंपल मेथड कर रहे हैं तो ये डिग्री हमारे लिए इग्नोरेबल होगी। अब मटीरियल यहाँ पे लिखा था 80%, लेबर ओवरहेड 60%, इट मीन्स दैट डिग्री not be taken because क्योंकि हमने opening को output में नहीं लिया, क्योंकि जो unit हमारे output की category में आएंगे उनके ऊपर ही degree calculate होगी, percentage completion की degree calculate होगी, लेकिन यहाँ पे opening को हमने output में नहीं लिया। output में हमारे पास क्या है, simple case में हमने लिया finished unit, जितना काम खत्म हो गया complete हमने कर दिया 6200 और 700 होगा हमारा क्लोजिंग WIP, तो ये हमारी इनके ऊपर हम डिग्री लगाएंगे। ऑलवेज कंप्लीशन डिग्री इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटपुट यूनिट, आउटपुट की कैटेगरी में जो होंगे उनके ऊपर ही हमारी डिग्री कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब मैंने मटेरियल बनाया हुआ लेबर ओवरहेड, अब फिनिश स्टॉक पे जिसको कहते हैं कंप्लीटेड यूनिट, दैट फिनिश स्टॉक इज ऑलवेज 100% कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। इन एवरी रिस्पेक्ट का मतलब मटेरियल में भी 100% माना जाएगा, लेबर में भी माना जाएगा, ओवरहेड्स में भी 100% ही लिया जाएगा, चाहे हमारे सम में मेंशन दिया हो, किया हो या ना बताया हो, हमें पेपर में चाहे ना बताएं या एग्जाम में ना बताएं कि फिनिश्ड की डिग्री क्या है, फिनिश्ड डिग्री इज ऑलवेज अज्यूम टू बी 100% इन रिलेटिंग टू एवरी रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो 6200 है इस पे हम 100% डिग्री लगाएंगे, मटेरियल भी 6200 यूनिट आ जाएगा, लेबर भी 100% कंप्लीट होगा 6200, ओवरहेड भी 100% होगा 6200। तो फिनिश स्टॉक हमारा 100% होता है इन द थ्री रिस्पेक्ट, इन एवरी रिस्पेक्ट, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो। अब आते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के आउटपुट में यूनिट हमने लिए 700। अब यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो ये मटेरियल कहते हैं वो कंप्लीट हुआ 70%। अब 700 का हमने लिया 70%, तो हमारे इफेक्टिव यूनिट कंप्लीट होंगे 490, मटेरियल के लिए वो 490 माने जाएंगे। अब लेबर के लिए कितने
कितने होंगे 60%, तो 700 का 60% होगा 420, ओवरहेड का भी 700 का 60% होगा 420। तो मटेरियल का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे इक्विवेलेंट यूनिट क्या बनेंगे, तो मटेरियल का टोटल 6200 प्लस 490 हमारे इफेक्टिव यूनिट बनेंगे 6690 इन केस ऑफ मटेरियल। लेबर में भी हमारे पास होंगे 6200 और 420, ये बनेंगे 6620। ओवरहेड हमारे पास क्या होंगे 6200 और 420 6620। तो ये हमारा नंबर वन प्रॉब्लम थी जो हमें बताती है हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैसे बनाएं जब हमारा केस हो सिंपल केस, देयर इज ए नो फीफो मेथड, इट इज ऑर्डिनरी केस, सो इसको हम कहते हैं सिंपल केस। तो ये हमारा केस होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हैं। अभी हमारा कॉस्ट पर यूनिट अपीयर नहीं हुआ, दैट इज द सिंपल केस। अब मैंने एक ली है प्रॉब्लम नंबर सेकंड, वो भी हमारी सिंपल है जिसमें फीफो अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसका चार्ट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट भी वैल्यूएट करनी होगी क्योंकि हमें मटेरियल टोटल प्राइस गिवन है, लेबर का भी रुपीस गिवन है, ओवरहेड भी गिवन है। लेकिन नंबर वन जो हमारे प्राइमरी वर्क होगा, नंबर वन स्टेज इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये हमें बनानी होगी। अब मैं थोड़ा इसके साथ ही स्टडी करना चाहता हूँ प्रॉब्लम नंबर टू, ताकि हमें क्लियर हो कि नंबर वन सिंपल केस में हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं, फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। अब थोड़ा इस सम को हम स्टडी कर लेते हैं। इन प्रोसेस बी 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, प्रोसेस बी में हमने 10,000 यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, 2,000 यूनिट्स 80% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एंड 60% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन WIP एट द एंड। अब हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 2000 यूनिट थे जिनकी डिग्री क्या थी, 80% मटेरियल कंप्लीट था, 60% हमारे लेबर और ओवरहेड थे, बस इतना ही हमारा सम है। इसके बेसिस में वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इंट्रोड्यूस किए 10,000, ओनली हमें ये बताया गया कि 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है जिनकी डिग्री हमें गिवन है, 80% मटेरियल के ऊपर कंप्लीट है, 60% लेबर ओवरहेड है, और हमें अब चार्ट बनाना है और हमें ये कॉस्ट भी गिवन है। अब मटेरियल गिवन है रुपीज 48,000, लेबर हमें गिवन है 27,600 और ओवरहेड हमारे पास गिवन है 18,400 रुपीज। अब हमें पहला काम करना होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले हम ये बनाएंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, जिसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। उसके बाद का जो वर्क होता है थर्ड स्टेज में, हम फिनिश स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं रुपीज में और क्लोजिंग WIP की रुपीज में कैलकुलेशन करते हैं। नंबर फोर्थ और फाइनल पार्ट होता है कि हम सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और प्रूव करते हैं कि हमारा आंसर राइट होता है डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे पहला वर्क होगा क्वेश्चन नंबर टू में, हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने कहा था नंबर वन इंपॉर्टेंट वर्क इज वी हैव टू मैच इनपुट विद द आउटपुट। सबसे पहला काम हमें सीखना होगा कि इनपुट में मुझे क्या पुट करना है और आउटपुट में मुझे क्या क्लासिफाई करना है। इफ वी आर राइट हियर, अगर हम यहाँ पे राइट हैं, अगर यहाँ पे हमारी मैचिंग राइट हो जाती है, इट मीन्स अवर आंसर विल बी राइट। तो सबसे पहले अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चार्ट इज राइट, अगर ये हम एक्यूरेट बना लेते हैं, इट मींस टोटल सम इज बिकम्स द एक्यूरेट सम। तो इसका मतलब पहला प्राइमरी वर्क है कि हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चार्ट कैसे बनाएं। अब हमें इंट्रोड्यूस गिवन है 10,000 यूनिट,
अब मैंने इनपुट के कॉलम में दिया इंट्रोड्यूस, और जिसको हम कहते हैं इनपुट। अब हमारी इनपुट और इंट्रोड्यूस यूनिट गिवन है 10,000, तो यहाँ पे हम यूनिट यूनिट ले रहे हैं 10,000। अब हमें गिवन है 2,000 यूनिट। अब पेपर में मेंशन है, एग्जामिनेशन में मेंशन है कि हमें 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जिनकी डिग्री भी हमें गिवन है। सबसे पहला काम हम लेते हैं क्लोजिंग WIP, जिनके गिवन है 2,000 यूनिट। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 10,000 है। अब पहला काम होता है इनपुट को हमें आउटपुट से इक्वल करना, दे शुड मैच इनपुट विद द आउटपुट। अब जिसमें 10,000 में 2,000 तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इट मींस अगर हम 10,000 माइनस 2,000 करते हैं जो हमारा क्लोजिंग है, इसका मतलब हमने फिनिश स्टॉक कितना किया, तो 10,000 माइनस 2,000 हमारी फिनिश स्टॉक बने का दैट विल बी 8,000 यूनिट। तो अगर हम क्लासिफाई करेंगे 10,000 को, तो आउटपुट में होगा फिनिश स्टॉक वो होगा 8,000 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होगा 2,000 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक को ही हम क्लोजिंग WIP कह रहे हैं, वो होगा 2,000 यूनिट। तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर ली। अब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, 10,000 को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक बताया था 2,000, इसका मतलब हमारे जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा बैलेंसिंग फिगर, जिसको फिनिश स्टॉक हम कह सकते हैं 8,000 यूनिट। तो इनपुट को आउटपुट के हमें इक्वल करना पड़ता है, जो इनपुट होती है वही हमें आउटपुट बनानी होती है। देन वी हैव टू डिसाइड द डिग्रीज, उसके बाद हम कंप्लीशन डिग्री के ऊपर डिसीजन करते हैं। पहला वर्क है कि इनपुट को आउटपुट के इक्वल किया जाए। तो यहाँ पे हमने 10,000 को 10,000 के इक्वल किया, 8,000 को हमने फिनिश स्टॉक माना, 2,000 को हमने क्लोजिंग लिया, तो ये भी हो गया 10,000। अब हमने जैसे कहा था फिनिश्ड डिग्री और फिनिश्ड यूनिट और कंप्लीटेड यूनिट की जो डिग्री होती है कंप्लीशन डिग्री, दैट इज ऑलवेज 100% इन एवरी रिस्पेक्ट। तो वो हमारी 100% डिग्री होती है, जिसको हम कहते हैं फिनिश, वो हमने पूरा काम कर लिया होता है, जिसको हम लेते हैं 100%। अब हमने लिया मटेरियल परसेंटेज, तो 8,000 का 100% ये बनेगा 8,000 यूनिट। लेबर भी हम कंप्लीट लेंगे 100%, 8,000। ओवरहेड भी हम लेंगे 100%, 8,000, क्योंकि जो भी फिनिश्ड होगा कंप्लीटेड होगा वो 100% इन एवरी रिस्पेक्ट होगा। तो ये हमने 8,000 ले लिया 100%। अब आते हैं क्लोजिंग। अब क्लोजिंग की डिग्री गिवन है 80% रिगार्डिंग मटेरियल। अब 2000 जो भी हमारे आउटपुट में यूनिट होते हैं ओनली उन्हीं की प्रोसेसिंग होती है, उन प्रोसेस के यूनिट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए कंप्लीशन डिग्री, तो वही हमारे इक्विवेलेंट यूनिट बनते हैं, जैसे हमने फार्मूला में दिया था। तो आउटपुट के यूनिट ही हमारे प्रोसेस में हैं, तो इन्हीं यूनिट को हम कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जैसे हमें गिवन है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80% रिगार्डिंग मटेरियल, तो हमने 80% किया तो ये बनेगा 1600। अब 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60% तो ये बनेगा 1200। लेबर भी उतना होगा, ओवरहेड भी हमारा 60% होगा, तो जो हमारे प्रोसेस में यूनिट है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60% तो ये भी हमारा 1200 होगा। तो इसका मतलब हमारी इफेक्टिव यूनिट्स क्या होंगे मटेरियल में, 8000 प्लस 1600 दैट विल बी 9600 आंसर होगा। लेबर का भी हमारा 9200 होगा, 8000 प्लस 1200, और ओवरहेड का हमारा 9200 होगा। तो यहाँ पे हमने चार्ट बना लिया, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दैट वाज इन केस ऑफ सिंपल प्रोसेस। तो ये अभी हम सिंपल कर रहे हैं। तो पहला प्राइमरी वर्क होता है, फर्स्ट स्टेज होती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनाई जाए। सेकंड स्टेज में हम करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अब जो रुपीस हमें मटेरियल के गिवन है, अब उनको इफेक्टिव यूनिट से हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास मटेरियल गिवन है रुपीस 48,000, अब इसको डिवाइड किया जाएगा बाय इफेक्टिव यूनिट। इफेक्टिव यूनिट कितने होंगे 9600, तो हमने किया 48,000
डिवाइडेड बाई 9600, तो पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट होगी ₹5। सिमिलरली लेबर, तो ये होगा 27,600। इसको इफेक्टिव यूनिट से डिवाइड करेंगे 9200, तो ये होगा ₹3 पर यूनिट। उसके बाद हम लेते हैं ओवरहेड, 18,400 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव यूनिट, ये होगा ₹2 पर यूनिट। इट मीन्स टोटल कॉस्ट पर यूनिट हम ले सकते हैं ₹10 पर यूनिट। तो ये हमारी 10 पर यूनिट कॉस्ट होगी। तो यहां तक हमने कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन नंबर वन हमारा जो स्टेज था दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नंबर थर्ड स्टेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिनिश स्टॉक। अब फिनिश स्टॉक हमारा 100% कंप्लीट है, तो ₹10 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8000 को। इसका मतलब फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन हमें मिल सकती है ₹80,000 को। कैसे होगा? 8000 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे वहां पे हमें डिफरेंटली करना पड़ेगा। मटेरियल करेंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनकी 8000 कैलकुलेशन होगी। लेबर होगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओवरहेड होगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी नंबर वन हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कैसे हम 3 मेथड्स में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं, कैसे उनकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन में की जाती है, कैसे हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। सो ये हमारी थोड़ी प्राइमरी वीडियोस रही है, प्राइमरी हमारा वर्क था रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दैट वाज प्राइमरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। हमने प्रॉब्लम 1 ली और प्रॉब्लम 2 ली रिगार्डिंग दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक। उसके बाद हम आगे चलेंगे मोर लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे फीफो में हमें कैसे बनाना होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एवरेज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, एवरीथिंग वी हैव टू लर्न। थैंक यू वेरी मच।